वुड एनाकोंडा। ए मैड मैक्स, बहुत दिन हो गया। हमने तुमको $5 million दिया था और तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमें प्रेम सहाय का बनाया हुआ रोबोटिक मैन लाकर दोगे, लेकिन तुम अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो हमारा $5 million वापस कर दो। मैं वही तो करने में लगा हूँ, दिन रात सिर्फ एक ही सपना देखता हूँ। मैंने तुम्हें सपने देखने के पैसे नहीं दिए। डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट ला कर दो मुझे। मेरा सपना उस रोबोट को ही पकड़ने का है और उस सपने को पूरा करेगा ये रोबोट एनाकोंडा। ये क्या करेगा? ये जमीन के अंदर ट्रेवल करेगा और जमीन के ऊपर जो भी ह्यूमन शेप मेटल के रूप में दिखेगा उसे निगल के यहाँ ले आएगा। मेटल का ह्यूमन शेप सिर्फ डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट ही हो सकता है। मियाओ, बॉस, यू आर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। आप सच में जीनियस हो। ये देखिए, मैंने प्रेम सहाय के रोबोट की एक डमी बनाई है। अब एनाकोंडा रोबोट इसे पकड़ लेगा और हमें पता चल जाएगा कि एनाकोंडा रोबोट अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं। अरे ये क्या? Sorry, boss. Mad Max is mad. Very, very mad. Timbuktu, उस डमी रोबोट को मेरे पास रखने की क्या जरूरत थी? मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। Sorry, boss. गलती हो गई। तो अब गलती की सजा भी भुगत। नहीं, नहीं, boss. Boss. अब ये देखो मेरा शॉट, संभालो। अब इसमें क्या संभालूं? शटल कॉक तो तुमने पेड़ पर अटका दी। तो क्या हुआ, तुम हो ना, जाओ लेकर आओ उसे। ओके। ये जमीन के नीचे वाइब्रेशन क्यों हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। बाल बाल बचा। ये तो मेटल का सांप है, यानी कि रोबोट है जो मेरे लिए ही आया है। जरूर मैड मैक्स ने भेजा होगा इसे। ये क्या है वीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जहाँ तक चड्डा अंकल की कार का सवाल है वो ठीक नहीं है। चड्डा अंकल, मेरी कार? ओए मेरी कार कहाँ गई? ये अचानक? अंकल हट जाओ जल्दी। अरे हम हटते नहीं, लोगों को हटाते हैं। जल्दी बताओ कार कहाँ है? आखिर ये गायब कैसे हो गई? अरे कोई मुझे निकालो। कार यहाँ है। इमली, वीर, भागो यहाँ से। तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, मैं इसे संभालता हूँ। कोई मुझे निकालो यहाँ से। मैड मैक्स बहुत चालाक है, उसने ऐसा रोबोट भेजा है जो अंडरग्राउंड रह के भी तुम्हें देख सके और पकड़ सके। यही तो प्रॉब्लम है दादाजी, कि वो मुझे देख सकता है लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता।
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मेरे पास है। ये लो, एक्सरे विजन क्लासेस। तुम अपनी रोबोटिक आई पर इन्हें पहन लो, फिर तुम भी उसको डिटेक्ट कर सकते हो। ये हुई ना बात दादाजी। दादाजी, ये रोबोट तो हमारे घर के नीचे ही है। अभी मैं जिंटू की हेल्प से इसे बाहर निकालता हूँ। जिंटू, कहाँ हो तुम? तद्दिना दिन दिन, मैं हूँ जिन। कहो बॉस, क्यों याद किया? जमीन के नीचे एनाकोंडा है, उसे पकड़कर बाहर लाओ। अभी लो बॉस। ओह नो, ये क्या कर दिया तुमने? ये एनाकोंडास नहीं चाहिए, वो एनाकोंडा चाहिए जो इस वक्त हमारे घर के नीचे है। गायब करो इन्हें। आप कोई भी ऑर्डर ढंग से नहीं देते। मैं इन एनाकोंडास को वापस भेज रहा हूँ और खुद भी जा रहा हूँ। दादाजी, जिंटू तो नाराज होकर चला गया, अब मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा। वीर, तुम अगर जमीन पे चलोगे तो ये तुम्हें फिर से देख लेगा। तो फिर क्या करूं? अभी बताता हूं। ये हैं जेट शूज, तुम इन्हें पहन के उड़ सकते हो। कुछ स्टेप्स जमीन पे भागो ताकि एनाकोंडा तुम्हें डिटेक्ट करके तुम्हारे पीछे आए। फिर हवा में उड़ जाओ ताकि वो तुम्हें पकड़ ना सके। समझ गए? थैंक यू दादाजी, समझ गया। ये लो रिमोट। जब तुम इसका ग्रीन बटन दबाओगे तो जेट निकल आएगा और तुम उड़ जाओगे, और जब तुम इसका रेड बटन दबाओगे तो ये जमीन पे उतर आएगा। रेड बटन दबाओ, रेड बटन। वो तुम्हें इन शूज की आदत नहीं है। जब हवा में हो तो बॉडी का बैलेंस करना होगा, वरना टेढ़े मेढ़े उड़ते रहोगे। ओके दादाजी। ओके वीर, अब जल्दी जाओ और इसे शहर से दूर ले जाओ। वीर, तुम हेल्प के लिए जिंटू को क्यों नहीं बुला रहे? अरे, एक ही मुसीबत कम है क्या कि दूसरी मुसीबत को भी बुला लूं? डोंट वरी, मैं खुद इससे निपट लूंगा। जिंटू, बचाओ हमें, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ चुलबुल, बताओ क्या करना है? क्या तुम इससे एनाकोंडा का कोई इलाज कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छे से इलाज कर सकता हूँ। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो जिंटू? जो तुमने कहा वही तो कर रहा हूँ। तुमने कहा इसका इलाज करो तो वही कर रहा हूँ। हे ऊपर वाले, जब आप अकल बांट रहे थे, ये जिंटू सो रहा था क्या? जिंटू तुम जाओ, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा भाई। जाओ 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 जाओ, चले जाओ, बाय। जब वापस ही भेजना होता है तो बुलाते ही क्यों हो? जा रहा हूँ मैं अब, बार बार बुलाकर मुझे डिस्टर्ब मत करना। बहुत डेंजरस है ये तो। बस बहुत हो गया, बहुत जमीन खोद डाली तूने, बहुत भाग लिया, अब तेरे रुकने का टाइम आ गया है। बॉस के पास जा सकते हो बच्चे, गुड बाय।
ये क्या किया वीर तुमने? जब वो तुम्हारे कंट्रोल में आ गया था तो उसे दोबारा जिंदा करके छोड़ क्यों दिया? मैंने उसका कंट्रोल चेंज कर दिया है, अब वो मेरा नहीं अपने बॉस का शिकार करेगा। वीर, तुम नाम के ही नहीं सचमुच के वीर हो। लो आ गया मेरा एनाकोंडा रोबोट। मैड मैक्स इज ग्लैड 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 एंड ग्लैड। वेलकम एनाकोंडा। बताओ कहाँ है वीर? सब लोग अपनी अपनी जान बचाओ, क्योंकि अब हमारा एनाकोंडा हमारा नहीं रहा, हमारी जान का दुश्मन बन गया है। भागो! बचाओ, बचाओ बॉस! मैड मैक्स इज मैड मैड। रोबोट डस्टबिन। अब डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट बच नहीं पाएगा। बॉस, यू आर जीनियस, सुपर टूपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। ये खुद कचरा साफ करने के साथ साथ प्रेम सहाय के रोबोट को ढूंढ के पकड़ भी लेगा और मेरे पास ले आएगा। लेकिन क्या डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा? नो नो, नेवर। वो जैसे ही अंदर जाएगा उसके अंदर की सब मशीनरी जैम हो जाएगी और वो हिल डुल भी नहीं पाएगा। मैं ये डस्टबिन फुर्सत गंज को देता हूँ ताकि यहाँ की सड़कें हमेशा साफ रहें। कचरा 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 कचरा। चड्डा अंकल। कचरा 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 कचरा। बचाओ बचाओ। और लोग कह रहे थे कि उस डस्टबिन ने मिस्टर चड्ढा को ही पकड़ के अपने अंदर बंद कर लिया। वो खुद चल के कचरा उठा रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिक डस्टबिन है, एक रोबोट जैसा ही। रोबोट 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 रोबोट। वो देखो, पीछे से वो डस्टबिन इधर ही आ रहा है, भागो! रोबोट रोबोट। जरूर इसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, पहले मिस्टर चड्ढा को पकड़ा, अब हमारे पीछे है। रोबोट रोबोट। इमली, तुम और चुलबुल अलग भागो, मैं उसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाता हूँ। रोबोट 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 रोबोट। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो रोबोट रोबोट क्यों कह रहा था, उसे तो कचरा उठाने के लिए बनाया गया है ना, रोबोट उठाने के लिए नहीं। कहीं उसे मैड मैक्स ने तुम्हारे लिए तो नहीं भेजा? गुड थिंकिंग इमली, हो सकता है। कचरा कचरा
कचरा। अरे ये कचरा नहीं है, छोड़ो छोड़ो इसे, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, छोड़ो। अरे चड्डा अंकल, हेलो, हाँ यस चड्डा हियर, कचरा कचरा कचरा। ओए ओए कचरा नहीं है, अभी अभी शॉपिंग की है, अरे छोड़ो छोड़ो। कचरा, ये क्या? अरे ये कचरा 5000 का है, कचरा वीर कुछ करो वरना चड्डा अंकल की सारी शॉपिंग बेकार हो जाएगी। रोबोट रोबोट रोबोट। ओ नो, उसे पता चल गया, चलो भागते हैं। वीर मुझे यकीन हो गया है, ये मैड मैक्स का ही भेजा रोबोट है जो तुम्हें ढूंढने आया है। तुम ठीक कह रही हो इमली। मिशन अकम्प्लिश, मिशन अकम्प्लिश। डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट पकड़ा गया और कुछ ही देर में मेरे पास होगा। मैं जीत गया डॉक्टर प्रेम सहाय, मैं जीत गया। इमली मैं हिल भी नहीं पा रहा, मेरी मशीन अंदर से फ्रीज हो रही है। चिंटू को बुलाओ। चिंटू चिंटू कहाँ हो, जल्दी आओ। तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। अरे अपना तक दिना दिन दिन बंद करो, वीर को एक डस्टबिन पकड़ के ले गया है, जल्दी वीर को बचाओ। अभी लो। ये क्या कर रहे हो, कितनी बैड स्मेल आ रही है, इन सबको हटाओ जल्दी। अरे तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। मुझे क्या पता वीर किस डस्टबिन में है, इसीलिए मैं सबको यहाँ ले आया। मैं किसी काम का नहीं हूँ तो मैं जा रहा हूँ, मैं वीर से ही ऑर्डर लूंगा। तुम मेरे बॉस नहीं, वीर मेरा बॉस है, वो कहेगा उसे बचाओ तो ही बचाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। आज तुम्हें दिखाता हूँ कि एक गधे की दुलाटी क्या होती है। इमली चुलबुल थैंक्स अ लॉट। किसी बैटरी का बंदोबस्त करो। इमली तुम जाओ, मैं यहाँ वीर की मदद करूँगा। मैं अभी आई वीर, ठीक है। मुझे तुम्हारी साइकिल चाहिए, एक घंटे में वापस कर दूंगी। मैं और तुम्हें साइकिल दूंगा। प्लीज प्लीज, टाइम कम है, साइकिल दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, प्लीज। नहीं दूंगा तो क्या कर लोगी? तुम साइकिल देते हो या नहीं?
ले लो, चिल्ला क्यों रही हो? ये इमली ही थी ना? मेरे होते हुए तुम मेरे दोस्त को नहीं ले जा सकते। कचरे के डिब्बे को आप कचरा रखने वाला ही बना देता हूँ। सबके होने चाहिए और तुम जैसा दोस्त भी सबके पास होना चाहिए। तुम नाम की ही नहीं सचमुच के वीर हो। आज मेरी बरसों की तपस्या पूरी हो गई। लाओ लाओ मेरा रोबोट मुझे दे दो। डस्टबिन जल्दी जल्दी दो। ये नहीं हो सकता। प्रेम सहाय का रोबोट है। उसको बताना होगा। मैड मैक्स। डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट बच नहीं पाएगा। टिम्बक्टू इसमें बैठ जाओ। तुम पानी के अंदर से जाना और जब प्रेम सहाय का रोबोट सामने हो तो वो रेड बटन दबाना और कहना कि सामने वाले को पकड़ लो। ये रोबोट उसे पकड़ के इसी होल के अंदर ले आएगा। समझ गए? मियाओ, यू आर जीनियस बॉस, यू आर सुपर डुपर जीनियस। Meow. She is right, boss. She is right. मैं एक रिहर्सल कर लेता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ ये इसी बटन को दबा के कहना है ना कि सामने वाले को पकड़ लो। Yes. You are right. सामने वाले को पकड़ लो। छोड़ो मुझे। टिम्बक्टू इसे रोको। रोको इसे। छोड़ो मुझे। रोको इसे। वीर तुम्हें स्कूबा डाइविंग सूट की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास डीप सी डाइविंग सूट है। ओ, मैं भूल गया दादाजी। डाइविंग सूट ऑन। ये
फिर इमली का ख्याल रखना। ओके दादाजी, बाय। पीछा छुड़ाना है तो मैं छुड़ा देती हूँ। बिजली, क्या ये इंसान तुम्हें तंग कर रहे हैं? दूं क्या करंट के झटके? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे दोस्त हैं, वीर, इमली और चुलबुल। वो देखो उधर जो तीन लड़के आ रहे हैं ना, उन्हें देना अपने झटके। लगता है कुछ खतरा है, वरना ये सब इधर भाग के क्यों आ रही है? बॉस, यू आर जीनियस, सुपर डुपर जीनियस। प्रेम सहाय का रोबोट मिल गया। उसे पकड़ के फौरन यहाँ ले आओ। ये तो टिम्बकटू है, किसी रोबोट में बैठ के मुझे पकड़ने आया है। इमली, चुलबुल, तुम लोग भागो फौरन। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम क्यों नहीं भाग रहे? तुम्हें भागने से कोई एलर्जी है क्या? इतने बड़े ऑक्टोपस से लड़ना इम्पॉसिबल है। दादाजी कहते हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करे उसे ही वीर कहते हैं। इस समय बच के निकलने में ही अकलमंदी है, वरना तुम्हारे दोस्तों की जान को खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें बच के निकलने का मौका देती हूँ, जल्दी करो। हमें कुछ करना होगा, वो यही आ रहा है। जल्दी जाओ और चिंटू को बुला के लाओ। हुआ।
जाएगा। टिम्बक्तु, तुम उन्हें छोड़ दो। हाँ, छोड़ दूंगा अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चलो तो। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, उन्हें जाने दो। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? अपने दोस्तों के लिए खुद की जान को खतरे में डाल रहे हो? दुनिया में दोस्तों से बढ़कर कोई नहीं है। तीर, तीर भागो वहाँ से! नहीं वीर, ऐसे सरेंडर मत करो। तीर! मैं अभी जिंटू को ढूंढ के ले आता हूँ। ये देखो महाराज, यहाँ सो रहे हैं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? गोल्डफिश, तुम हमारी मदद करो। वो ऑक्टोपस मेटल का है। अपनी बिजली को बोलो उसे करंट लगाए। बिजली! मैं अभी जाती हूँ। ठीक करो। बॉस, मैं फंस गया। हाय, मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। जिंटू, इस टिम्बक्तु को अपने बॉस के पास भेज दो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। ये टिम्बक्तु इतना टाइम क्यों ले रहा है? कहाँ गया ये? ये क्या कर रहे हो? हटाओ, हटाओ मेरे ऊपर से! मैं कहता हूँ हटाओ। बोना, बचाओ, बचाओ! म्याओ, मैं कैसे बचाऊँ बॉस? You are genius, super duper genius. आप ही बताओ कैसे बचाओ? वीर, तुम नाम की ही नहीं सचमुच की वीर हो। इमली ठीक कह रही है वीर, अपना ख्याल रखना और कभी कभी हमसे मिलने भी आया करना। इतनी बड़ी गोल्ड फिश, मैं अभी इसे पकड़ता हूँ। रोबोट अप्लायंसेस। मेरा टिम्बक्तु तो किसी काम का नहीं है। देखें ये रोबोट कुछ करता है कि नहीं। जंप, रन राउंड एंड राउंड इन रूम। वेरी गुड, अब देखता हूँ ये इंसानों की तरह सोच सकता है कि नहीं। टिम्बक्तु स्विम। स्विम? पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? ओह, ये इंसानों की तरह सोच सकता है। मोना, मोना कहाँ हो तुम? देखो, मेरा रोबोट इंसानों की तरह सोच सकता है। पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? मोना, मैंने ह्यूमनॉइड रोबोट बना लिया है। वो इंसानों की तरह सोचता है। मैंने स्विम करने को उसे कहा तो पूछने लगा पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? गुड मॉर्निंग बॉस। देखो देखो मोना, ये गुड मॉर्निंग भी बोलता है।
ये गुड मॉर्निंग भी बोलता है। बॉस, यू जीनियस, यू सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। ये टिम्बकटू की तरह शी इज राइट भी बोलता है। आई एम ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। अब देखना है इसमें इमोशन है कि नहीं, इसे दर्द का एहसास होता है कि नहीं। ये एक परफेक्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है, परफेक्ट। बस करो बस। पानी यहाँ है, पानी यहाँ है। रोबोट टिम्बकटू तो ये है, तो तुम कौन हो? मैं असली टिम्बकटू हूँ बॉस, मैं असली टिम्बकटू हूँ। ये रोबोट किसी काम का नहीं है, ये तो बेकार है। मैंने सोचा था कि ये फुर्सतगंज में जाके सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कंट्रोल करेगा, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता। अब सब कुछ तुमको ही करना होगा। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या मतलब बॉस? वो देखो, मैंने कुछ ऐसे फ्रिज, फैन, माइक्रोवेव ओवन, कूलर बनाए हैं, जो एक साथ मिलकर प्रेम सहाय के रोबोट को ढूंढ के पकड़ेंगे और यहाँ ले आएंगे। बॉस, यू जीनियस, यू सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री। आइए आइए, ले जाइए, ये स्टॉक क्लियरेंस है। एक पे एक फ्री, ले जाइए ले जाइए। मुझे आपन चाहिए, मुझे कूलर दे दो, मुझे फ्रिज दो, मुझे फ्रिज दो। ले जाइए। लेंगे। Yeah.
मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। हेलो बॉस, वीर को पकड़ लिया है, वो आ रहा है। I'm glad, very, very glad. होता है, वीर नाम का ही नहीं सचमुच का वीर है। टिम्बक्तु हो रहा है अब उड़न छू, ओवर एंड आउट। द लाफिंग रोबोट। मैड मैन Next.
इज मैट, वेरी वेरी मैट। वीर, तुमने मेरी इस जगह को बर्बाद किया है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं फुर्सतगंज को बर्बाद कर दूंगा। बॉस, आप ये सब कैसे करोगे? पता नहीं कब से प्लान बनाते आ रहे हो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। He is right, boss. He is right. Meow. चुप रहो मोना, तुम भी टिम्बकटू की तरफ से बोल रही हो? कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। ये तो मुझे बर्बाद करने के लिए ही दुनिया में आया है। You are right, boss. You are right. बॉस बॉस, वीर को अब इस जगह का पता चल गया है। अब वो यहाँ कभी भी आ सकता है। आने दो उसे, वो आएगा लेकिन हमें ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही डेन धरती के नीचे बना रखा है। ये है हमारा नया ठिकाना। वीर सोच भी नहीं सकता कि हम यहाँ होंगे। वो हमें दूसरी जगह पे ढूंढेगा और हम यहाँ रह के उसकी बर्बादी का इंतजाम करेंगे। आ जाओ। इसका नाम है लाफिंग रोबोट। ये एक कमांड पे इतनी लेजर रेज फेंकेगा कि वीर इसके वार से बच नहीं पाएगा। इसमें और भी कई शक्तियां हैं। जैसे ही मैंने इसे अटैक कहा, बस ये वीर का काम तमाम कर देगा। बॉस बॉस, एक बार चेक कर लेते हैं, ये अटैक पे किसी का काम तमाम करता है कि नहीं। हे रोबोट, अटैक। टिम्बकटू, ये क्या किया तुमने? इस जगह को भी बर्बाद कर दोगे क्या? स्टॉप, स्टॉप। टिम्बकटू, तुम कभी तो सोच समझ के काम किया करो। इसे फुर्सतगंज ले जाओ और इतनी तबाही मचाओ कि वीर को सामने आना ही पड़े। अब जाओ यहाँ से। मेरे दोस्त, तबाही शुरू कर दो। वीर आएगा और तुम उसे खत्म कर देना। अटैक! मुझ पे अटैक नहीं करना था। टट्टा अंकल, ये खिलौना किसने भेजा है? ये तो बहुत अच्छा है, मैं इसे बंटी के बर्थडे में गिफ्ट करूंगा। किसका है ये खिलौना? मेरी नई कार। ओए चड्डा साहब, बर्थडे गिफ्ट चाहिए। मजाक कर रहा है तू? भेज दिया है, तुम यहीं बैठो। वो देखो, वीर आ गए। तुम जो भी हो वापस लौट जाओ, वरना तुमको यहीं खत्म कर दूंगा। मेरे प्यारे लाफिंग रोबोट, इस वीर को खत्म कर दो। लेकिन ऐसे खत्म करना जैसे बिल्ली चूहे को खत्म करती है। आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली। बाय वीर, नाइस मीटिंग यू। इसे यहाँ से दूर ले जाना होगा, वरना ये यहाँ सब बर्बाद कर देगा। ट्विस्टर सूट ऑन। ट्विस्टर सूट ऑन। चिंटू को बुलाओ, वही इसको ठीक कर सकता है। ये रोबोट तो बहुत ही शक्तिशाली है। वो तो तभी आता है जब
बुलाता है या फिर अपनी मर्जी से आता है, हमारे बुलाने से नहीं आएगा। जिंटू, जिंटू, कहाँ हो तुम? वीर खतरे में है। तुम सही समय पे आ गए। वो देखो उस रोबोट को, बहुत खतरनाक है। तुम जाके उसकी अच्छी खातिरदारी करो। ओके। आप क्या खाना पीना पसंद करेंगे? इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल चाय, नाश्ता? चिंटू, खातिरदारी से मेरा ये मतलब नहीं था। उसने वीर को आसमान में फेंक दिया है, तुम उसे खत्म कर दो। ओ, ये बात है, सॉरी मैं गलत समझा। ओटिस, ओटिस, ओटिस! चिंटू, तुम्हें वहाँ झूला झूलने नहीं भेजा, लड़ने भेजा है। कुछ देर तो मजा ले लूं, बहुत मजा आ रहा है। रोबो बॉय कहाँ गया? ये नया सुपर हीरो कौन है? हीरो कहाँ, वो तो मार खा रहा है। रोबो बॉय आ गया, रोबो बॉय आ गया, रोबो बॉय आ गया। भूल गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जल्दी आ जाता तो मेरी कार बच जाती। आप उससे ही अपनी कार का हर्जाना भरवाना, वो लेट क्यों आया? हाँ, ये भी कोई बात हुई? यहाँ लोगों की जान को खतरा है और वो आराम से चले आ रहा है। वो आप लोगों के लिए काम नहीं करता, आप उससे इस तरह बात नहीं कर सकते। आपको उसका एहसान मानना चाहिए कि वो हम सब के लिए लड़ रहा है। वीर, मैं खड़ा हूँ किसी रेस का घोड़ा नहीं, और तेज नहीं भाग सकता। हाँ, जिगजैग जरूर भाग सकता हूँ। मैं तुम्हें देखने आई थी, चिंटू भी उससे लड़ने गया था, उसका पता नहीं कहाँ चला गया। इमली चुलबुल, तुम लोग घर के अंदर जाओ जल्दी। फायर सूट ऑन। फायर सूट ऑन। वीर, वीर, वो बहुत शक्तिशाली रोबोट है। तुम्हारे हथियार उस पे असर नहीं कर रहे, तुम्हें उसको उसके ही हथियार से हराना होगा। ओके दादाजी। अनब्रेकेबल लेजर टनल ऑन। अनब्रेकेबल लेजर टनल ऑन। Yes.
तेज भागो और तेज टनल से बाहर आओ, वरना तुम्हारे ही फायरबॉल्स तुम्हें जला देंगे। और तेज, और तेज। अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वी कहाँ है? Hey, subscribe to Wow Kids today.